खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सवाल ये है कि अरे भाई आपको मजबूत होना है तो आपको अपनी कमजोरी खत्म करनी होगी ना। अपनी कमजोरी सुनिए, अपनी कमजोरी पर काम कीजिए ना। सबके सब चोर हैं, सबके सब बदमाश हैं, मैं ही इकलौता अच्छा, विपक्षी सबसे बढ़िया है। अरे ऐसे थोड़ी होता है रवि जी, बार बार एक ही बात मैं आपको कह रही हूँ। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी, विपक्ष के अंदर कोई कमजोरी है, उसे ठीक करना है, तो कोई अच्छी अच्छी बातें करके थोड़ी ठीक होता है। अरे कड़वी बातें सुनने को मिलेगी तभी जाकर अच्छे से आप लोग उभर कर आएंगे। अब आपका बयान पूरा हो गया हो तो मैं बोलूं? सवाल है, बयान नहीं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि दो भाजपा के प्रवक्ता रहते हैं और तीसरा एंकर भी भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है, तब तकलीफ होती है सबसे ज्यादा। पहली बात तो सुनिए आप ये कि आज तक कर्नाटक के अंदर एक साल पूरा हो गया और इतने विधायक इधर से उधर चले गए और आ गए, आज तक सरकार वहां की स्टेबल है। राजस्थान के अंदर आज भी सरकार पूरी मजबूती से चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने बसपा की जो एक मंत्री थी जिसको रखा हुआ है उसको 50 करोड़ में खरीदने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। वहां की सरकार भी मजबूती से चल रही है, पंजाब की सरकार भी पूरी मजबूती से अपना काम कर रही है। तेलंगाना में क्या हो गया भाई? मीडिया का क्रिएशन है। तेलंगाना में क्या हो रहा है? वो बिखर गई, खत्म हो गई, टूट गई और वो सब उसके सब नेता जो है वो चले गए। देखिए सफलता के कई बाप होते हैं मगर असफलता में विफलता का सिर्फ एक रोती हुई माँ होती है। इसलिए इतना परेशान होने की बात नहीं है। हर पार्टी आत्मविश्लेषण कर रही है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल हो, मगर इस पर आपका फिलॉसफी है कि सफलता में एक ही बाप होता है, गांधी परिवार का। राधा कृष्ण विखे पाटिल ने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? महाराष्ट्र के क्यों दिया? आपकी ही पार्टी को क्यों छोड़कर तमाम लोग जा रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, कांग्रेस में आप कोई काम क्यों नहीं करना चाहता है? नहीं, इनसे पूछे कि इनके यहाँ सफलता आप मुझे जवाब दीजिए मेरे सवाल का। अभी याद कर लीजिए, मुझे ये बताइए क्यों छोड़ने जा रहे हैं सारे विधायक? अच्छा भला बहुमत मिला है वहाँ पे, क्या परेशानी? मैं कुछ बोलना चाहूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। सफलता, एक सेकंड, सफलता में सिर्फ गांधी परिवार नहीं, अगर ये सफलता है, अगर ये सफलता है तो इस बात के ऊपर भी चर्चा होगा कि पूरे देश का अगर चुनावी खर्च है तो 45% बीजेपी ने खर्च किया। कहीं ना कहीं इस देश में ये भी चर्चा हो कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। वही पैसा आज कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को खरीदने में, दूसरे दल को तोड़ने में, इस पर भी मीडिया में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात, भूमिका जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी आज राजनीतिक रूप से सफल है और विपक्ष हारा हुआ है। विपक्ष को भी समय देना चाहिए। काले धन के नाम मुझे बताना पड़ेगा आपको जी हर चीज में। अरे सर मंथन कीजिए, मैं एक बात आपसे बात मंथन करने का आप समय देंगे तब करेंगे ना। मुझे आपने कभी विपक्ष को सोचने का मौका दिया है? आज आप रोज विपक्ष की छोटी छोटी खामियों को लेकर के चर्चा कराते हैं। आज आपको चर्चा करानी चाहिए सरकार की कमियों के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर। छोटी विपक्ष के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कराइए ना। अगर आपको लगता है, एक बार चर्चा इसके ऊपर भी कराइए कि अगर बीजेपी 45% टोटल चुनाव खर्च का, आप लोग एक हो नहीं पाते हैं जी, आप लोग एक हो नहीं पाते हैं। और एक होंगे, एडिटर बनना बंद कीजिए मेरे, ये पहली बार नहीं है। मेरे अगर आज बीजेपी सत्ता में है, इससे पहले भी आप अपनी पार्टी को चला नहीं पाते हैं और चैनल चलाएंगे सत्ता में नहीं है। सत्ता कोई अस्थाई नहीं है, पार्टी तो आपसे चल नहीं रही है। अस्थाई मत बनो, आप नेता तो संभल नहीं रहे आप। नहीं, आपको आंसर जो है आपने ना, सवाल पूछे आपने अभी तक किसी मीडिया हाउस में, मीडिया जो है आपके हिसाब से चले, अरे सतीश जी प्लीज, या सोचने का मौका दिया। ये बहुत ही बेतुका लॉजिक है। मीडिया हाउस पर डिबेट करने के लिए मैं नहीं आई हूँ आपके सामने। मैं डिबेट इस बात पर कर रही हूँ कि आप लोग मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अरे हम मजबूत होंगे, क्यों मजबूत नहीं हो पा रहे हैं? एक साथ लगातार बोलेंगे कैसे चलेगा? ये विपक्ष का अधिकार है, अपनी कमियों की चर्चा करेगा। अगर मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। हम आपकी चिंता ना करें। अच्छा, अरे आप लोग खुद अपनी चिंता नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें आपकी चिंता करनी पड़ी है। जी जी भी शहजाद आती है जरा, ये जीवीएल नरसिम्हा राव सवाल पूछना है मुझे भी।
जो अभी इकोनॉमी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, एक सवाल पूछ रहा है रूबिका जी, राव जी से नहीं रूबिका जी, रूबिका जी सुन लीजिए, सुन लीजिए रूबिका जी, जीवीएल नरसिम्हा राव देखिए, नहीं आपसे भी पूछना है, आपसे भी, आपसे भी कई सवाल है, आपसे भी कई सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं रूबिका जी, पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दीजिए, डेवलपिंग इकोनॉमी से निकाल आप देखिए पार्टी के, नहीं नहीं सुन लीजिए, आप तो बदतमीजी पर मत उतराइए, सुनिए बात को, सुनिए प्रेफर्ड नेशन से पहले सुनिए बात में सवाल, एक सेकंड बस, आप इतनी जिद नहीं चलेगी रवि श्रीवास्तव, रुक जाइए, मेरे 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 शो में इस तरीके की बहस नहीं चलती है, नहीं मैं बचकानी बहस पसंद नहीं करती हूँ सर, बहुत टाइम निकाल के दर्शक आता है, बहुत टाइम निकाल कर, और वो कायदे की बहस देखना चाहता है, मैं एक मिनट आपको दूंगी रवि श्रीवास्तव, साथ में जीवीएल आपके होंगे, आप बहस कर लीजिएगा, अब खामोश रहिए, अब खामोश रखिए, ठीक है खामोश रहिए, सुन लीजिए जीवीएल, नहीं रूबिका जी जो पार्टी अभी मेरे अलावा किसी पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल पे नहीं है, लेकिन बीएसपी आपके समर्थक जो पैनल पे बैठे हैं, यदि इनकी भाषा इस प्रकार की है, यदि इन पर उनके मन पर इस प्रकार का ये चुनाव के नतीजे चोट किए हैं, तो आप समझ सकते हैं फिर अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू क्यों लड़ रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत और पायलट सचिन पायलट राजस्थान में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हार से बौखला गए हैं और सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे पर दोष देकर के बस बचना चाहते हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, और एक मजबूत आज ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष चुनकर आया है वो भी एक जुट नहीं रह पाएगा, ये आम आदमी पार्टी का जिसने आपके बहुत वाहवाही करते हैं रवि श्रीवास्तव, वो तीसरे स्थान पर क्यों आए, जनता ने क्यों नकारा आपकी आपकी सो कॉल्ड आप पार्टी को क्यों नकारा दिल्ली में, कांग्रेस को क्यों नेता प्रतिपक्ष का संख्या भी क्यों नहीं मिली इस बार, क्यों राहुल गांधी अपने ही परंपरागत सीट से हार गए हैं, क्या उसका विश्लेषण आप नहीं करेंगे, आप हमसे बहस करना चाहते हैं रूबिका जी, अब मैं बोलूं तो बोलो क्यों तीन तीसरे नंबर पर आए बताइए, रुक जाइए आप रवि श्रीवास्तव सुनिए, 70 में से रवि श्रीवास्तव सुनिए, बहुत 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 कायदे के सवाल है, भाषण नहीं है ये, सवाल है रवि श्रीवास्तव, सवाल है रवि श्रीवास्तव, उन सवालों का जवाब दीजिए, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो जो आंकड़े सामने आए वो ये बताते हैं, 70 में से 65 पर बीजेपी पहले नंबर पर, आप तीसरे नंबर पर कहां गई, कहां गई आपकी रूबिका जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, कहां चली गई और जनता आपको क्यों नहीं वापस मोहब्बत दे पाई, बोलने से पहले समझ गया मैं आपकी बात, सुन लीजिए आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया, जवाब देने दीजिए ना मुझे, देखिए पहली बात तो ये कि जो असेंबली का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, आप शांत रहे कि अभी आम आदमी पार्टी का क्या होगा फरवरी में, पहली बात तो ये कि ना तो मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं और ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं, ये दो बातें नरसिम्हा राव जी को क्लियर कर दीजिए बिल्कुल, मैं स्वतंत्र निष्पक्ष इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी फिर इस बार भी फरवरी 2020 में वापस सत्ता में आएगी, और बीजेपी को जिस तरह से पिछली बार 300 जनता को, वैसी जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, ये आप जो आकलन कर रही है ना प्रोजेक्शन करके कि वो लोकसभा की इतनी सीटें हुई तो विधानसभा की इतनी हो जाएंगी, ये कैलकुलेशन विधानसभा में चलने वाली नहीं है, अरविंद केजरीवाल का काम है चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मेट्रो में फ्री महिलाओं का सफर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई मर्जी हो, कोई मुकाबला नहीं है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक कोई आदमी आज तक जेल नहीं गया, हालांकि इतनी सरकार उनके विरोध में रही, इतना उनको सताने की, बर्बाद करने की कोशिश की बीजेपी ने, गिराने की कोशिश की बीजेपी ने, लड़ाई हो रही होती है, अरविंद ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक जी आपकी निष्पक्षता तब कहां चली जाती है जब सचिन पायलट अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और जग जाहिर करने की कोशिश वहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करते हैं कि भाई हारे तो हम इनकी वजह से हैं, निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक जी ये बता दीजिए निष्पक्षता से, सर मैं पत्रकार हूँ ठीक है, बयानों में बिटवीन द लाइंस पता पड़ता है,
तो आपको क्या टेलीफोन करके राजस्थान की और बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाली जनता ने आपको फोन किया था? हाँ, आपको फोन किया था रवि श्रीवास्तव। लॉजिक पर बात कीजिए। बीजेपी के सहयोगी ऐसी अयोध्या में बैठे हैं मंदिर बनाने के लिए। शहजाद पुनावाला, मैं आग्रह करूंगा कि मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। प्लीज रवि श्रीवास्तव और सतीश जी मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। प्लीज मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखता हूं, प्लीज इंटरप्ट ना करें। रूबिका जी, ये बात बिल्कुल सही है, विश्लेषकों का कहना कि सरकार से सवाल मीडिया पूछे और मीडिया पूछता है। यहाँ पे आके मीडिया को उनका काम सिखाना हमारा काम नहीं, पर लोकतंत्र में विपक्ष का भी जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है और विपक्ष के ऊपर भी कुछ मापदंड लगाए जाने चाहिए, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी। आज अगर अमित शाह और मोदी हारते तो क्या हम लोग ये अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते कि आप लोग चुनाव हारे हैं, आपके बाद कौन सा नेतृत्व आएगा? तो ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए तो ये मीडिया का काम नहीं है क्या कि विपक्ष मजबूत हो और राहुल गांधी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो उनके बदले कोई और हो? दूसरी बात, तेलंगाना में पूरी की पूरी पार्टी चले जा रही है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक रीजनल पार्टी में, तो हम लोग ये सवाल ना पूछे कि आइडियोलॉजी पे स्थित कांग्रेस पार्टी में इतना क्या भूचाल आ चुका है, नेतृत्व में इतनी क्या कमजोरी है कि वो अपनी पार्टी की यूनिट को नहीं संभाल पा रही? और तीसरी बात, अमरिंदर सिंह के पास इतना भी विशेष अधिकार नहीं है कि वो एक मंत्री को नहीं चाहते वो उनको निकाल सके, तो वो कौन सा हाथ है जो सिद्धू को बार बार उकसाता है अमरिंदर सिंह के खिलाफ? और अमरिंदर सिंह, शशि थरूर जैसे लोग मेरी पार्टी, जो मेरी फॉर्मर पार्टी थी, उसके नेतृत्व के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते? राहुल गांधी का बोझ कब तक कांग्रेस पार्टी सहेगी?